नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। एक पाकिस्तानी विमान मार गिराया। भारतीय विमान के एक पायलट की अभी सूचना नहीं, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया ऐप किया लॉन्च। कहा, न्यू इंडिया के निर्माण में आगे आए युवा। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पर्वतीय क्षेत्र से लंबी दूरी की यात्रा अब होगी संभव। और राज्य में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में 8 जिलों में ओलावृष्टि की जताई संभावना। अब खबरें विस्तार से। पुलवामा आतंकी हमले के बाद 26 फरवरी को बालाकोट में भारतीय वायुसेना की असैन्य कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने आज भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी ने पाकिस्तानी कार्रवाई को नाकाम कर दिया। इस कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया। वहीं दूसरी ओर भारतीय विमान MiG-21 बायुसेन के पायलट की सूचना फिलहाल नहीं मिल पा रही है। विदेश मंत्रालय ने इससे जुड़ी जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। इंडिया हैड इन्फॉर्म्ड अबाउट काउंटर टेररिज्म एक्शन इट टुक यस्टरडे अगेंस्ट अ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ जैश ए मोहम्मद इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन क्रेडिबल एविडेंस दैट जैश ए मोहम्मद इंटेंडेड टू लॉन्च मोर अटैक्स अगेंस्ट दिस काउंटर टेररिज्म एक्शन Pakistan has responded this morning by using its air force to target military installations on the Indian side. Due to our high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, One Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान की ओर से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फेक तस्वीरें और फेक वीडियोस प्रसारित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसकी कोई सत्यता या प्रामाणिकता नहीं है। इसीलिए दर्शकों से अपील है कि किसी भी फेक तस्वीर या वीडियो के झांसे में ना आए जिसकी प्रामाणिकता नहीं है। साथ ही दूरदर्शन न्यूज के माध्यम से आप अधिकृत खबरें जान सकते हैं। आप किसी भी ऐसी खबर से परेशान न हो जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हूं। जल्दबाजी में कई बार हम इस तरह की तस्वीरों को शेयर करने लगते हैं। इससे बचने की जरूरत है क्योंकि ये अपने आप में एक संवेदनशील मसला है। 26 फरवरी को भारत की असैन्य कार्रवाई के बाद से सोशल मीडिया में फर्जी तस्वीरों और वीडियो की भरमार है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद भारतीय सीमाओं और राष्ट्रीय संस्थानों की निगरानी बढ़ा दी गई है। पूरा देश हाई अलर्ट पर है। उत्तराखंड में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। IMA ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी IRDE और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन लेबोरेटरी समेत सभी रक्षा और केंद्रीय संस्थानों की निगरानी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि हाई अलर्ट को देखते हुए पुलिस पैरामिलिट्री और सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। हमारी जो पैरामिलिट्री है, हमारे जो सैनिक हैं, वो तैयार हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय खेल प्राधिकरण साई के अपनी तरह के पहले मोबाइल एप्लीकेशन खेलो इंडिया ऐप को जारी किया। ये ऐप देश में खेलों और फिटनेस के प्रति जागरूकता लाने से संबंधित है। साई ने खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत इस एप्लीकेशन को तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और आने वाले वर्षों में देश को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के विजन को आगे बढ़ाना है। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि भारत ने खेलों की दिशा में आज लंबी छलांग लगाई है। ये एप्लीकेशन देश में फिटनेस और खेल के पहलू के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे छोटी उम्र में प्रतिभा की पहचान करने और उसे निखारने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को न्यू इंडिया के निर्माण में आगे आना चाहिए। उन्हें उन्मुक्त गगन में उड़ने देना चाहिए, क्योंकि युवा नए आइडिया से, फ्रेशनेस से वो भरा हुआ होता है, ऊर्जा होती है, तेजस्विता होती है, शार्पनेस होती है, उस पर अतीत का बोझ नहीं होता। ऐसे में चुनौतियों और समस्याओं से निपटने में वो अधिक सक्षम होता है। साथियों, देश की, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो न्यू इंडिया को और मजबूत करने वाली है। जैसे आज का समय तेजी से बदल रहा है, वैसे ही आज की जनरेशन भी पहले की अपेक्षा कई तेजी से सोचती है, काम कर रही है। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने आज चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन से बहुप्रतीक्षित त्रिवेणी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहाड़ में लंबी दूरी की रेल का सपना अब जाकर पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को साकार किया है और देश के कोने कोने तक विकास किया है। श्री टम्टा ने कहा कि त्रिवेणी एक्सप्रेस के चलने से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को सहूलियत मिलेगी, साथ ही निकट भविष्य में यहां से दिल्ली, देहरादून, पंजाब, मुंबई जैसे स्थानों तक लंबी रेल की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। कि पहाड़ी क्षेत्र की उत्तराखंड की ये लोकसभा के पहली बार इस ट्रेन का चलने का शुभारंभ हुआ है और पिछले वर्ष 25 फरवरी 2018 को इसकी ब्रॉडगेज हुआ। तत्कालीन आदरणीय सुरेश प्रभु जी का, जिनको मैं पहली बार मिला, उन्होंने इसको चौड़ी लाइन देने की सहमति दी और तत्काल इस काम को करने का निर्णय लिया। पूरा पीलीभीत से लेकर आगे तक का ये चौड़ी लाइन हुई और बहुत बड़ा बजट, लगभग 50,000 करोड़ का बजट इसमें खर्च हुआ। स्थानीय निवासी विपिन कुमार का कहना है कि टनकपुर आज पूरे हिंदुस्तान से जुड़ गया है, यहाँ के लोगों के लिए ये बड़ा तोहफा है। हमारे टनकपुर शहर के लिए बहुत ही शुभ अवसर है कि आज हम बड़ी लाइन की एक्सप्रेस ट्रेन की कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहे हैं और इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। पूर्वोत्तर रेलवे के अपर मंडल रेल प्रबंधक आशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्थानीय लोगों की मांग को देखते हुए आज से टनकपुर से सिंगरौली तक दो ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, जो सप्ताह में अलग अलग दिन निर्धारित समय के अनुसार चलेंगी। इससे पहले त्रिवेणी एक्सप्रेस बरेली से चलती थी, अब यह टनकपुर सिंगरौली तक का सफर तय करेगी। राज्य में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश से ठंड बढ़ गई है, वहीं पर्वतीय क्षेत्र बर्फ से पूरी तरह ढक गए हैं। चारधाम सहित मसूरी, धनौल्टी, चकराता और कुमाऊं में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। राजधानी देहरादून में भी रुक रुक कर बारिश हुई। चंपावत में मंगलवार रात से ही बारिश और बर्फबारी हो रही है। टिहरी में भी ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। बारिश के साथ ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से ठंड में इजाफा हो गया है। मौसम का असर झील महोत्सव पर भी पड़ा है। अल्मोड़ा में भी मंगलवार शाम से बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। नैनीताल और बागेश्वर समेत राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों की भी यही स्थिति है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में राज्य के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून के हर्रावाला में 300 बेड के चिकित्सालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य, पर्यटन, सिंचाई और एनडीडीए के विभिन्न विकास योजनाओं के लगभग 540 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास भी किया गया।
हर्रावाला में बनने वाली जच्चा बच्चा और कैंसर अस्पताल 164 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार और पलायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भविष्य में पानी की कमी की समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों से विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने मंगलवार को विज्ञान धाम झाझरा में शुरू हुए 3 दिवसीय राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कांग्रेस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा जल हमारी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में कैसे मददगार हो, इस पर वैज्ञानिकों को कार्य करना होगा। साथ ही उन्होंने राज्य में वाटर कॉर्प्स बनाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री ने विज्ञान कांग्रेस में आए वैज्ञानिकों और शोधार्थियों को जैव विविधता को बचाने के लिए भी पहल करने को कहा। श्री रावत ने कहा कि मौजूदा समय में हमारे सामने पर्यावरण और जैव विविधता को बचाए रखने की चुनौती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिथौरागढ़, पौड़ी के साथ ही देहरादून में जलाशय बनाए जा रहे हैं, साथ ही नदियों के प्रवाह को बनाए रखने की भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने वैज्ञानिकों से लोगों को ये समझाने की अपील की कि बांध से पानी के स्रोत पर कोई असर नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विज्ञान धाम के परिसर तथा प्रस्तावित साइंस सिटी के स्थल का भी निरीक्षण किया। विज्ञान कांग्रेस में 500 छात्रों के साथ देश के विभिन्न संस्थाओं के वैज्ञानिक और शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ऋषिकेश के एम्स में नर्सिंग विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मंगलवार को शुरू हुई 2 दिवसीय संगोष्ठी में कई जाने माने विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने नर्सिंग को परिभाषित करते हुए चिकित्सा क्षेत्र में इसे स्वायत्त और सहयोगी होना बताया। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश अनुसार ऑपरेशन थिएटर में सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया जाना जरूरी है, जिससे मरीज की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने संस्थान में प्रशिक्षण ले रही नर्सेस को विश्व स्तर पर खरा उतरने को प्रेरित किया। साथ ही ऑपरेशन थिएटर और सर्जिकल टीम में नर्सिंग स्टाफ की अहम भूमिका बताई। यूनाइटेड किंगडम के किंग कॉलेज हॉस्पिटल की मैट्रन प्रोफेसर मिनीजा जोसेफ ने ऑपरेशन थिएटर के स्थापित मानकों और सिफारिशों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने विश्व में कुशल नर्सेस की आवश्यकता बताई, कहा कि ये जरूरत पूरी करने में भारत सक्षम है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। एक पाकिस्तानी विमान मार गिराया। भारतीय विमान के एक पायलट की अभी सूचना नहीं, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया ऐप किया लॉन्च। कहा, न्यू इंडिया के निर्माण में आगे आए युवा। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पर्वतीय क्षेत्र से लंबी दूरी की यात्रा अब होगी संभव। और राज्य में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी से भड़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में आज 8 जिलों में ओलावृष्टि की जताई संभावना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।